जब सरकारी सैलरी से मन नहीं भरा तो गया के 3 पुलिसकर्मी लुटेरा बन गए और लूट लिए 10 लाख रुपए। चोर तो चोर, अब पुलिस भी लुटेरा बन गया है और दिन दहाड़े लोगों से रुपया छीन ले रहा है। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को सावधान कर दीजिए कि कल तक नकली पुलिस बनकर कुछ लोग पब्लिक को चुना लगा रहे थे, लेकिन अब असली पुलिस भी लुटेरा बन गया है और दिन दहाड़े किसी से भी रुपया छीन ले रहा है। बिहार के गया में पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले 3 पुलिसकर्मी को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 में से 2 पुलिसकर्मी को निलंबित भी कर दिया गया है। इसकी खुलासा गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता में की है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बोधगया थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा गांव के रहने वाले रवि कुमार के द्वारा सिविल लाइन थाना में आवेदन दिया गया था कि पुलिस के वेश में रहे 3 लोगों ने 10,40,000 रुपए छीन लिए। इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही थी। इसी क्रम में सत्यापित हुआ कि पुलिस की वेश में रहे 3 पुलिसकर्मी ही हैं। इसके बाद 3 की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक एसटीएफ का जवान भी है। दरअसल रवि कुमार ने पूरी कहानी बताते हुए कहा था कि बीते दिन उसे एक व्यक्ति ने फोन से संपर्क किया था, बोला था कि पैसा दीजिए, प्रॉफिट कमाकर 7 दिनों के अंदर दे देंगे। इसे लेकर 50,000 रुपये दिए थे। 7 दिन में मुझे 70,000 रुपये उक्त व्यक्ति ने दिए थे। इसके बाद फिर से बुलाया, पैसा बढ़ाने के लालच में वह फिर गांधी मैदान पहुंचा। इसी क्रम में कुछ लोग आकर पकड़ लिए जो कि पुलिस के वेश में थे और सारे पैसे छीन लिए। वहीं इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले के संज्ञान में आते ही गया एसएसपी आशीष भारती ने इसे गंभीरता से लिया था और विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस की विशेष टीम ने जांच शुरू की तो हैरान रह गई। इस घटना के पीछे 3 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एसटीएफ का जवान उज्जवल कुमार, ईवीएम सुरक्षा में तैनात विक्रम कुमार और मुफस्सिल थाना अंतर्गत ईआरबी वाहन में तैनात संजीव कुमार है। इनके पास से 29,400 रुपये की बरामदगी की गई है। वहीं इस मामले में अभी कुछ और लोग फरार चल रहे हैं जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रवि कुमार सुरपुरा बोधगया थाना क्षेत्र निवासी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 10,40,000 रुपये छीने जाने का आरोप लगाया था। अब स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए कि बिहार के गया जिले की पुलिस अब लुटेरा बन गई है। मैं सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मामला सामने आया है उसमें 3 रियल पुलिसकर्मी थे। वैसे तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कोई पुलिस के वेश में आम लोगों को चुना लगाता है, लेकिन ये रियल वर्दी वाले थे जिनका काम आम पब्लिक की सुरक्षा करना है, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, वही आजकल पब्लिक को चुना लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर गया एसएसपी काफी सख्त मूड में थे और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बाकी आगे देखिए क्या कुछ कह रहे हैं गया एसएसपी और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। दिनांक 19/24 को एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज किया गया कि एक व्यक्ति जो कि बोधगया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सिविल लाइन थाना में आवेदन दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा फोन के माध्यम से उनको संपर्क करके यह बोला गया था कि आप पैसा दीजिएगा तो आपको उससे प्रॉफिट कमा करके 7 दिनों के अंदर दिया जाएगा। उक्त व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी 6-7 माह पहले 50,000 रुपये उनसे मांगा गया था और उसके बाद उनको 70,000 रुपये उसके द्वारा 6-7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद दिया गया था। और इस मामले में उनके द्वारा फिर से 6-7 महीने बाद उक्त व्यक्ति के द्वारा फ़ोन करके जो वादी है उसको गांधी मैदान में बुलाया गया था और गांधी मैदान बुला फिर उसके द्वारा बताया गया कि जैसे ही वो गांधी मैदान आया तो कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर उसको आकर के पकड़ लिया गया जो कि पुलिस के वेश में थे और उसके पास से जो पैसे थे वो छीन लिए गए। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। फिर तुरंत जो एडिशनल एसपी टाउन है उनको निर्देशित किया गया कि इस मामले में जो भी शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और पुलिस टीम के द्वारा जिसमें एडिशनल एसपी टाउन और सिविल लाइन एसएचओ एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल हैं उनके द्वारा इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं विक्रम कुमार, इसके अलावा जो कि यहाँ पर ईवीएम सुरक्षा में तैनात था, इसके अलावा एक सिपाही है उज्जवल कुमार जो कि एसटीएफ में तैनात है और एक सिपाही है संजीव कुमार जो कि मुफस्सिल थाना में ईआरबी वाले वाहन में तैनात है। और साथ में इस मामले में अभी कुछ अन्य व्यक्ति जो है वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसके द्वारा फ़ोन करके उसको बुलाया गया था
पुलिस की टीम के द्वारा अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। इनके पास से 29,400 रुपये बरामद किया गया है। जल्द ही जो अन्य अपराध कर्मी है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। गया पुलिस इस प्रकार के सभी मामले में को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। कोई भी व्यक्ति अगर गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।